अभी मसूद अजहर जी ग्लोबल आतंकवाद उनको यूएन ने घोषित कर दिया है। हाँ ठीक सुना आपने, अब मोदी सरकार के मंत्री और हजारीबाग के प्रत्याशी जयंत सिन्हा ने आतंकी मसूद को जी बोला है। यकीन नहीं हो रहा होगा तो एक बार फिर सुनिए। वो देश की सुरक्षा का बिंदु है और यहाँ भी जो हम लोगों ने काम किया है वो बहुत ही सफल रहा है। अभी मसूद अजहर जी ग्लोबल आतंकवाद उनको यूएन ने घोषित कर दिया है। ये सब काम यूपीए के समय कांग्रेस के समय कभी हो ही नहीं पाया क्योंकि देश की मान और प्रतिष्ठा और सम्मान विश्व स्तर में बिल्कुल डूब चुकी थी क्योंकि वहाँ से। दरअसल केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री सहित हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी जयंत सिन्हा ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान रामगढ़ में कहा है कि उनकी सरकार रोज नई नई कीर्तिमान स्थापित कर रही है। मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित होना भी उनकी सरकार को श्रेय जाता है। इसी दौरान जयंत सिन्हा ने मसूद अजहर को मसूद अजहर जी कहकर संबोधित किया। वो देश की सुरक्षा का बिंदु है और यहाँ भी जो हम लोगों ने काम किया है वो बहुत ही सफल रहा है। अभी मसूद अजहर जी ग्लोबल आतंकवाद उनको यूएन ने घोषित कर दिया है। ये सब काम यूपीए के समय कांग्रेस के समय कभी हो ही नहीं पाया क्योंकि देश की मान और प्रतिष्ठा और सम्मान विश्व स्तर में बिल्कुल डूब चुकी थी क्योंकि वहाँ से। दरअसल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जयंत सिन्हा कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया और इस दौरान उन्होंने अपने विरोधियों पर निशाना भी साधा। जिस प्रकार से वो देश को आगे ले जाएंगे, जिस प्रकार से वो देश को सुरक्षित रख सकते हैं और सुशासन दे सकते हैं और कोई विकल्प नहीं है। देश ने तय कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, लेकिन मुझे बहुत इसमें हैरानी नजर आ रही है, आश्चर्य नजर आ रहा है कि जो महागठबंधन है वहाँ तो अभी तक ये लोग तय नहीं कर पाए कि उनका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। कभी वो दीदी की बात करते हैं, कभी बहन जी की, कभी भतीजा की, कभी जीजा जी की और कभी कभी पप्पू की भी बात हो करते हैं ये लोग। हमने तो तय कर लिया, देश ने तय कर लिया, ये लोग अपने आप नहीं तय कर पा रहे हैं और देखिए इतिहास के कूड़े खाने। लेकिन मंत्री साहब की सारी बातें एक तरफ और दूसरी तरफ उनका आतंकी मसूद को जी कहना। वो देश की सुरक्षा का बिंदु है और यहाँ भी जो हम लोगों ने काम किया है वो बहुत ही सफल रहा है। अभी मसूद अजहर जी ग्लोबल आतंकवाद उनको यूएन ने घोषित कर दिया है। ये सब काम यूपीए के समय कांग्रेस के समय कभी हो ही नहीं पाया क्योंकि देश की मान और प्रतिष्ठा और सम्मान विश्व स्तर में बिल्कुल डूब चुकी थी क्योंकि वहाँ से। अब इसका चुनाव पर क्या असर होता है ये तो देखने वाली बात होगी। रामगढ़ से राजेश वर्मा, बिहार तक।